आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज 17 तारीख हो चुकी है और काफ़ी दिन हो गया कॉलेज में भी। अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो स्टडी भी चल रही है, पर काफ़ी कम क्लासेस भी चल रही हैं। तो आज एक क्लास हुआ था, तो आज दिखाते हैं क्या क्या होता है। और आज मैं एक दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि टोमेटो जो एक प्लांट होता है उसको बनाया था यहाँ पे, इस पर कलम लगा के। तो मैं वो दिखाता हूँ, उसके बाद क्लास के बारे में आज जाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे क्या क्या हुआ है। ये जो पौधा है ये वाला बनाया था, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ ख़राब हो गए हैं, इस पे गल गए। यहाँ पे ये वाला आलू का प्लांट है और ये उसके ऊपर टमाटर का प्लांट लगा है, वो भी हरा है अभी बिल्कुल। देखते हैं इसके और एक महीने के अंदर इस पे फल आता है या नहीं। नीचे आलू है, ऊपर टमाटर है, तो दोनों मिलेगा। इस पे आलू भी लगेगा, टमाटर भी आएगा। और इधर कुछ किए थे एक्सपेरिमेंट, और एक और दिखाता हूँ। एक किया था ये इस पे लगाया था बडिंग। टिशू कल्चर करते हैं तो ये एक बडिंग होती है, जिससे क्या करते हैं प्लांट की एक पेड़ पौध सागा लेते हैं, उसको छील के मिट्टी वगैरह लगा देते हैं एक पॉड में, जैसे ये लगा है, और इसमें ग्रोथ हार्मोन लगा देते हैं, उसका चिक्कल हटा देते हैं सागा का, जिससे ग्रोथ हार्मोन लगाते हैं जिससे उसका ग्रो रूट जल्दी से निकलने लगे। और इसमें इसका जैसे ही कुछ इसको पानी देते रहते हैं और इसमें जैसे ही रूट निकल आएंगी तो नीचे से काट के ये एक अलग प्लांट बन जाएगा और ये जल्दी से ग्रो होगा और फल भी हमको बहुत ही जल्दी देगा। यही टेक्निक सिखाई जाती है यहाँ पे कॉलेज में सारी, प्लांट टिशू कल्चर और भी सारी हैं, जीनेटिक जीन एक्सचेंज करते हैं प्लांट का प्रोटीन, जैसे गोल्डन राइज में किया है विटामिन बढ़ाने के लिए, उसका जीन एक्सचेंज कर देते हैं। चलो तो अब आगे का दिखाते हैं, कॉलेज पहुँचते हैं। 18 तारीख हो गया है और हमारे लोगों के एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं, 25 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी क्लास हुआ था, मैम पढ़ा रही थी, तो देखते हैं क्या क्या पढ़ाई हो रही है। और जो लोग कमेंट कर रहे थे इसके डिप्लोमा के बाद जॉब के बाद क्या ऑप्शन मिलता है, तो आप मेरी पूरी क्लास से पूछ सकते हो क्या क्या मिलता है एडमिशन लेने के बाद अच्छे से। हाँ पहले भाई कुछ कहना चाहेंगे तुम? आज मैम ने क्रोमा बताओ क्या पढ़ाया आज? भाई भाई मेरा बहुत पढ़ता है, पीडीएफ बना रहा है भाई, प्रैक्टिकल आने वाले हैं तो इसलिए इसे सबको भाग बांट देंगे, जल्दी से लिख लो प्रैक्टिकल हो जाए। हाँ और भाई यार तुम तो बताओ, अभी बोल रहे थे सब कुछ, अब नहीं बोल रहे हो? आज मैम ने क्रोमेटोग्राफी को पढ़ाया था। हाँ क्रोमेटोग्राफी आज पढ़ाया है। लेक्चर तो क्रोमेटो। और यार जॉब के लिए जॉब के बारे में कोई देगा? जॉब के बारे में कोई 5000 की नौकरी मिल सकती। भाई 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 ये भाई कुछ मेरे बता रहे हैं कि लाइन सही मार रही हो, ये बता रहे हैं कि इसमें एडमिशन लेने के बाद ना अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, ये बता रहे 35 तक आपको सैलरी मिलेगी। बस आप एक बार इसमें एडमिशन लेके देखिए, बायोटेक कीजिए। ये सिर्फ हमारे मीडिया प्रभारी का कहना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इस सर ने बताया कि आप घर में ही प्लांट कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आलू बो सकते हैं। भाई ने ज्यादा ही दिल पे ले लिया है। चलो यार आप जिसको भी एडमिशन लेना है वो ले सकता है अच्छे से। वैसे सैलरी अच्छी मिलती है, 20 से 25 स्टार्टिंग होती है, बस आप एक बार एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलती है। और जो मेरे स्टूडेंट भाई जो आए नहीं है फ्रेंड, उनके लिए नोटिस है, जो आए नहीं है वो आए यादव के लिए, सुबह में यादव के लिए एक स्पेशल नोटिस से अपना फॉर्म फिलअप कर जाएं आकर के। और अंकित के लिए हाँ भाई सबको ये एडमिट कार्ड मिल चुका है, जिसको भी एडमिट कार्ड चाहिए वो अपना ले रहे आगे, आई कार्ड सॉरी, और एडमिट कार्ड भी मिला है, एडमिट कार्ड का फॉर्म। तो आज भाई हम लोगों को ये मिला है, आई कार्ड मिल गया है, और आई कार्ड जो लोग प्रेजेंट थे सिर्फ उन्हीं को मिला है, जो प्रेजेंट नहीं उनको नहीं मिला है, और फॉर्म एक मिल चुका है। तो जिस किसी को चाहिए तो वो कॉलेज जल्दी से जल्दी आए। थैंक यू।